स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में, और मैं हूं भास्कर सर। रोज की तरह आज भी आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए जान लेते हैं आज का टॉपिक क्या है और कैसे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो सेलाइन फ्लूइड का ही टॉपिक है, आईवी फ्लूइड का, जिसको इंट्रावेनस फ्लूइड बोला जाता है। तो मैं आज आईवी फ्लूइड के जितने भी कंटेंट हैं, कितने आईवी फ्लूइड हैं, उसके काइंड्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं, कैसे इन फ्लूइड का यूज़ किया जाता है, किस पेशेंट को देना है, इसके यूजेस क्या हैं, कंपोजिशन क्या है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके आप सभी को बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फ्लूइड्स जो हैं, सेलाइन फ्लूइड, वो कितने तरह के होते हैं। तो सेलाइन फ्लूइड में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो फ्लूइड के जो टाइप हैं वो पांच हैं, जिसमें एनएस है, डीएनएस है, आरएल है, D5, D10, D25 सॉल्यूशन है और मैनिटोल सॉल्यूशन है। अगर एनएस को बोलें तो फुल फॉर्म अगर बताएं एनएस को, तो नॉर्मल सेलाइन बोला जाता है, नॉर्मल सेलाइन। DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, RL, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन, D5, D10, D25 सॉल्यूशन को D5, D10, D25 सॉल्यूशन के नाम से ही जाना जाता है, और मैनिटोल सॉल्यूशन लास्ट है। तो जो चार जो NS, DNS, RL और D5 है, इसको जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, तभी पेशेंट को ये दिया जाता है। बाकी जो मैनिटोल सॉल्यूशन है, तो मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ बॉडी में पानी अगर अधिक हो गया है तो उसको बाहर निकालने के लिए, पानी की अधिकता होने पर ही मैनिटोल सॉल्यूशन पेशेंट को दिया जाता है। अब जान लेते हैं कि सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, बॉडी में ये वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए आपके सामने ये फिगर है। इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हार्ट को कनेक्ट किया गया है आर्टरीज और वेंस से, और आर्टरीज और वेंस दोनों एक जगह पे जाके मिल रहे हैं कैपिलरीज पे। तो कैपिलरीज क्या है, एक जॉइंट नेटवर्क का काम कर रहा है दोनों को जोड़ने का। तो आर्टरीज का काम बता दूं मैं आपको, हार्ट्स जो है ब्लड को पूरे बॉडी में भेजने का काम करता है, ब्लड को पंप करता है, और आर्टरीज उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज पूरे बॉडी में पहुँचाने का काम करता है, और वेंस क्या करता है, बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक पहुंचाता है, और हार्ट उसमें ऑक्सीजन मिला करके आर्टरीज के रास्ते पूरे बॉडी में उसको पहुंचा देता है। तो जब सेलाइन बॉडी में लगाया जाता है, जब शरीर में सेलाइन लगाया जाता है, तो आर्टरीज उस सेलाइन वाटर को ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुँचा देता है, इसलिए वो तेज़ी के साथ शरीर में कैप्चर हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है शरीर में, तो पेशेंट को जल्दी इससे राहत मिल जाती है। तो अगर बारी बारी से अगर देखें कि कौन से सेलाइन का काम क्या है, तो सबसे पहला जो सेलाइन मैंने बताया आपको एनएस, जिसको नॉर्मल सेलाइन बॉटल बोला गया है, तो नॉर्मल सेलाइन बॉटल का काम क्या है, कंपोजिशन अगर देखें तो इसमें 0.9% NaCl हर 100 ml सॉल्यूशन में मिला होता है। यूज जान लेते हैं इसका, ये डिहाइड्रेशन में, अगर बॉडी में पानी की कमी है तो डिहाइड्रेशन के सिचुएशन में ये पेशेंट को दिया जाता है। कभी कभी घाव को धोने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर वुंड वॉशिंग, यूज़ फॉर डाइल्यूट कंसनट्रेटेड इंजेक्शन, डाइल्यूट कंसनट्रेटेड इंजेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, फॉर फुलफिल ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट, कभी कभी अगर दुर्घटनावश किसी के शरीर में पानी की ज़्यादा कमी हो गई है, फ्लूइड की कमी हो गई है, तो उस समय भी, उस सिचुएशन में भी पेशेंट को ये दिया जाता है। अगर डोज देखें तो मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 24 घंटे में पेशेंट को देना है। सबसे ज़रूरी जो बात है, कभी भी हाई बीपी वाले पेशेंट को और प्रेग्नेंट लेडी को एनएस नहीं देना है, नॉर्मल सेलाइन बोतल नहीं देना है। नेक्स्ट जो है वो है डीएनएस, जिसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन बोला गया। कंपोजिशन इसका देखें तो 0.9% NaCl हर 5 ग्राम डेक्सट्रोज के साथ हर 100 ml सॉल्यूशन में ये मिला होता है। डोज जान लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बोतल जो DNS है 24 घंटे के अंदर पेशेंट को देना है, 3 से 4 बोतल ही देना है, उससे ज़्यादा आप पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। अगर यूजेज देखें तो
डिहाइड्रेशन में इसको भी यूज किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कभी भी डायबिटिक पेशेंट को और हार्ट वाले पेशेंट को ये नहीं देना है। अगर लो ग्लूकोज है तो उसमें भी आप दे सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसको लो ब्लड ग्लूकोज लेवल कहा जाता है। इंसुलिन शॉक में भी इसका यूज किया जाता है। बॉडी में अगर एक्सीडेंट अगर हुआ है और बॉडी में वाटर लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, तो उसमें भी पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है आरएल, जिसको रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बोला गया है। कॉम्पोजिशन में अगर देखें तो इसका कंपोजिशन है क्लोराइड सोडियम लैक्टेट, इसमें सोडियम क्लोराइड को सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलाया गया होता है। डोज देखें तो कभी भी पेशेंट को एक से दो बोतल ही देना है 24 घंटे के अंदर। यूज जान लेते हैं, अगर इम्बैलेंस है इलेक्ट्रोलाइट का, डिहाइड्रेशन है, तो पेशेंट को ये देना है। अगर पेशेंट कोई जला हुआ पेशेंट है, आग से पीड़ित है, जल गया है बॉडी, या सर्जरी हुई है, पानी की कमी है, तो उसमें पेशेंट को ये दे सकते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, अगर कुपोषित है पेशेंट, तो उसको भी ये दिया जा सकता है, और लो ब्लड प्रेशर में भी इसको दे सकते हैं। ध्यान रहे कभी भी ये डायबिटिक पेशेंट, मतलब कि इस आरएल को आप डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप डायबिटिक पेशेंट को देंगे कि नहीं, ये आप डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है डेक्सट्रोज, जिसको D5, D10, D25 बोला गया, तो इसका कॉम्पोजिशन जो है नाम के हिसाब से ही अगर आप देखें तो D5 है, इसमें हर 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिलाया गया होता है। D10 100 ml कंटेन में आपको 10 ग्राम डेक्सट्रोज मिलेगा। D25 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज मिलाया गया होता है। इसका यूज जान लेते हैं, इसका यूज है कभी भी वीकनेस है किसी पेशेंट को, बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो आप दे सकते हो, एनर्जी लॉस है तो आप ये पेशेंट को दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन है तब भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। डोज जान लेते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 24 घंटे के अंदर आपको पेशेंट को देना है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बोतल ही आप पेशेंट को देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देना है। ध्यान रहे कभी भी डायबिटिक पेशेंट को डेक्सट्रोज नहीं देना है। नेक्स्ट जो है मैनिटोल सॉल्यूशन, जिसको डायुरेटिक्स भी बोला जाता है। तो डायुरेटिक्स इसलिए बोलते हैं, डायुरेटिक्स किसको बोला जाता है, दोज मेडिकेशन विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन बॉडी। ऐसी जो भी दवा या ऐसी जो भी चिकित्सा जो शरीर में यूरिन की बढ़ोतरी कर देता है उसको डायुरेटिक्स बोला जाता है। कंपोजिशन में देख लें, हर 100 ml सोल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटोल मिला होता है। इसमें यूज इसका क्या होता है, ओडेमा में दिया जाता है, इन्फ्लेमेशन में, अगर जलन है पेशाब के रास्ते में या पेशाब नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में पेशेंट को ये दिया जाता है। शरीर में अगर लो यूरिन का प्रोडक्शन हो रहा है तब भी आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं। ये डायुरेटिक्स में यूजेबल है। डायुरेटिक्स बता दिए हैं पहले ही कि अगर यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो बॉडी में यूरिन को बढ़ाने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स में जो भी बातें थी, इम्पोर्टेंट था, जो भी बेसिक था, मैंने आप सभी को बता दिया। तो आप इसको एक नोट्स तैयार कीजिए और कर लें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत